चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हिंदी का ये लेसन प्लान मैं डाल रही हूँ, व्याकरण का लेसन प्लान। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। सामान्य उद्देश्य में ये मैटर पढ़ना है आपका। आप वीडियो को पॉज करके मैटर को पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें हमारी ऊपर का कंटेंट सब सेम रहेगा। फिर विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में हमारी ये चीज़ें रहेंगी। देखिए ज्ञानात्मक में आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। नेक्स्ट है भावात्मक, कौशलात्मक, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप यहाँ पर चार्ट लगा सकते हैं कि आपने डायग्राम बना करके बच्चों को बताया है। पूर्व ज्ञान, बच्चों को पूर्व ज्ञान था कुछ, वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना में हमें ये चीज़ें डालनी हैं। छात्र अध्यापिका की क्रियाएँ क्या होंगी और उस पर यानी उन क्वेश्चंस पर बच्चों के आंसर क्या होंगे। ये छात्र अध्यापक क्रियाएं और उसके बाद ये छात्रों की क्रियाएं। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज इसका जो होगा वो ये होगा प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण में शिक्षण बिंदु, उदाहरण, सामान्यकरण, छात्र अध्यापक क्रियाएं, मतानुसार, भोजनालय, परीक्षार्थी, दयानंद सरस्वती। ये इस तरीके से ये पूरा कंटेंट रहेगा और उस पर बच्चों की क्या क्रियाएं होंगी वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पेज जो होगा उसमें मौन वाचन और बोधात्मक प्रश्न। मौन वाचन में हमें ये कंटेंट डालना है। ओके, ये हमें डालना है शिक्षण विधि, उदाहरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट लेखन। तो हमने इस तरीके से ये करना है। फिर उसके बाद इसके आगे का पोर्शन जो है वो इस तरीके से कुछ होगा। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्रों की क्रियाएं। देखिए इस तरफ का पहले आप देख लीजिए, नियनीकरण, शिक्षण बिंदु, इतनी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद आपका ये कंटेंट पूरा पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर ये हमें करना है पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य। और ये इस तरीके से हमें लास्ट में इसका क्वेश्चनिंग तैयार करनी है। थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गए हैं, मैंने जो पहले वीडियो डाला है सेम प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप कंटेंट आप इससे देख लीजिए। ये पुनरावृत्ति प्रश्न